अलबलाग चैनल में आपका इस्तकबाल। एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स का क्या सलूशन है। एक तरफ से एंटी मुस्लिम हेट वायलेंस इतना बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो एंटी मुस्लिम फेक न्यूज और उसके अलावा जो हेट मॉन्गरिंग हेट स्पीचेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं इसके? हम तो उस तरीके से एक हेट वायलेंस प्रमोट नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर पांच चीज है जो हम कर सकते हैं। ये सवाल अगर एक कॉमन मैन पूछते हैं तो ये पांच जवाब है जो मुझे देना है। तो नंबर वन ये है कि हमें लार्ज स्केल म्यूचुअल एंगेजमेंट बढ़ाना है दिगर कम्युनिटीज के साथ। जो दूरी पैदा हुआ है उसको कम से कम करने के लिए, उसको जितना हो सके उसको करीब करने का, दूसरे कम्युनिटीज को मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ करीब करने का कोशिश करना, ये इसका सोल्यूशन नंबर वन है। ये ग्रास रूट्स में, इवन मतलब हर नेबरहुड्स में, हर घर, हर ऑफिस और हर बिजनेस हाउसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। आपको मालूम होगा पोस्ट 1947 इतने ज्यादा कम्युनल वायलेंस, मोर देन 100 कम्युनल वायलेंस हुआ। एक स्टेट है वो है गुजरात, और उसके अंदर एक सिटी है अहमदाबाद जिसके अंदर सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ है। उसका कारण के बारे में आप जब जांचेंगे एम्पिरिकल डाटा को लेकर, आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के अंदर पोल्स के तौर पर डिवाइडेड है कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के आधार पर पोल्स बना हुआ है, वो कास्ट आइडेंटिटीज और रिलीजियस आइडेंटिटीज के आधार पर। मुसलमान पोल्स अपार्ट है हिंदू कम्युनिटीज के साथ, तो इसीलिए वहां पर म्यूचुअल एंगेजमेंट नामुमकिन हो गया है फिजिकल दूरी की वजह से। तो यही एक कारण है कि अहमदाबाद के अंदर आप इतने बड़े तादाद में मुस्लिम और हिंदू के बीच में झगड़ा, फसाद और हेट्रेड आप जो है परपेचुएट करते हुए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण। उसके साथ साथ आप अगर इन कॉन्ट्रास्ट आप केरला को देखेंगे, एक साउथ इंडियन स्टेट जिसमें मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं, जहां पर कोई दूरी फिजिकल और अदरवाइज नहीं है, वहां पर ये कम्युनल राइट्स आप बहुत ही कम देखते हैं। ये खुद बताते हैं कि म्यूचुअल एंगेजमेंट कितना अहम है। और आजकल ये म्यूचुअल एंगेजमेंट फिजिकल दूरी होने के बावजूद भी हम उसको कम कर सकते हैं सोशल मीडिया के अपॉर्चुनिटीज को लेके। सोशल मीडिया बाउंड्रीलेस है, उसमें ज्योग्राफिकल जो करीबी होना जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए